राइट गाइस, सो वी स्टार्ट ऑन विद द फर्स्ट क्लास ऑफ सीए फाउंडेशन. ठीक है, आज हम लोग अकाउंट स्टार्ट करेंगे. हाउ डू वी गो अबाउट दीज क्लासेस, पहले मैं तुम लोगों को ये बता दूंगा कि अकाउंट्स किस तरह से कैरी ऑन करेंगे और ओवरऑल हमारा जो प्रेपरेशन स्ट्रेटेजी है वो किस तरह से चलेगा. ठीक है, अगर आप लोग अपने स्टडी मटेरियल को खोलोगे ना, एनी स्टडी मटेरियल यू ओपन, वहां पे आपको प्लान टू सक्सेस दिखेगा. अभी जैसे अकाउंट्स का क्लास कर रहे हैं तो अकाउंट्स का स्टडी मटेरियल अगर आप ओपन करोगे, दी प्रैक्टिकल एक्सरसाइज वन, अगर वो आप ओपन करोगे तो वहां पे आपको फर्स्ट पेज में दिखेगा प्लान टू सक्सेस आप प्रेपरेशन स्ट्रेटेजी. ठीक है, अभी देखो, एज आई कीप ऑन टेलिंग कि अभी तक जो आप लोग करके आए हो ना टिल क्लास 12, और ये जो प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं यहाँ पे बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है. डिफरेंस किस चीज में होता है, बिकॉज क्लास 12 तक ऑब्जेक्टिव होता है कि बच्चों को पास कर दिया जाए. राइट, मतलब 99% प्लस वो लोग रिजल्ट चाहते हैं कि भाई सारे बच्चे क्लियर हो जाए एंड दे मूव अहेड. बट जब भी हम कोई प्रोफेशनल कोर्स में जाते हैं ना, एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस चालू हो जाता है. फिल्ट्रेशन प्रोसेस मतलब अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंटर दैट पर्टिकुलर कोर्स, बट ओनली अ स्मॉल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्वालिफाई एंड गेट आउट ऑफ दैट कोर्स. अभी ये फिल्ट्रेशन प्रोसेस कैसे चलता है, बिकॉज आप लोगों ने सुना होगा कि सीए एग्जाम में एक पास परसेंटेज होता है, और यूजली वो पास परसेंटेज ओवर द पीरियड मेंटेन रहता है. मतलब अगर हम सीए फाउंडेशन की बात करें तो 30-35% पास रेट हम सीए फाउंडेशन में देखते हैं. मतलब आउट ऑफ एवरी 100 स्टूडेंट्स विच अपियर फॉर द एग्जाम, राइट, ओनली 35 स्टूडेंट वुड क्लियर एंड गो टू द इंटरमीडिएट लेवल. फिर इंटरमीडिएट लेवल में देखेंगे ना, तो अप्रोक्सीमेटली 20% ऑन एन एवरेज पास रेट रहता है. तो उन 35 का 20% फिर फाइनल में जाएगा, एंड देन फाइनल में भी अप्रोक्सीमेटली 10-20% का पास रेट रहता है. तो उसमें से फिर 20% स्टूडेंट निकल के क्वालिफाई करेंगे. अभी इस वजह से क्या होता है ना कि बहुत बच्चों को यहाँ पे एग्जाम्स में अटेम्प्ट्स लगते हैं. मतलब कोई फाउंडेशन 2-3 अटेम्प्ट में क्लियर करता है, किसी को इंटर में 2-3 अटेम्प्ट लग गए, किसी को फाइनल में 2-3 अटेम्प्ट लग गए. वाई? बिकॉज ऑफ दी पास परसेंटेज रेशियो. और ये जो पास परसेंटेज रेशियो है ना, ये मतलब ऐसा नहीं है कि जानबूझ के आपको फेल करने की कोशिश की जा रही है. हाउ इट वर्क्स इज दैट एक प्रोफेशनल कोर्स में आपसे एक एक्सपेक्टेशन होता है कि आप पर्टिकुलर लेवल मीट करो, और उस पर्टिकुलर लेवल को आप जब मीट करते हो तब आपको वहां पे क्लियर किया जाता है. सो देर आर लॉट ऑफ डूज एंड देर लॉट ऑफ डोंट्स जिसको फॉलो करना पड़ता है टू गेट सक्सेस. अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना फाउंडेशन इंटर और फाइनल क्लियर कर लेते हैं, और दे गो वेरी स्मूथली इन दी कोर्स. और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं, कुछ मतलब क्या, अ ग्रेटर नंबर ऑफ स्टूडेंट कंपेरेटिवली, जो कि कहीं ना कहीं अटक अटक के आगे बढ़ते हैं. अभी एक चीज हमें ये ध्यान में रखनी चाहिए कि एट योर एज क्या होता है ना, द मोस्ट प्रेशियस थिंग विच यू हैव इज टाइम. अभी आपके एज में टाइम से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी चीज नहीं है. बिकॉज देखो, नॉर्मली हमारी लाइफ कैसे चलती है, टिल द एज ऑफ 23-24, मैक्स 25. 25 भी आज के दिन में ज्यादा हो गया. हम तो देखते हैं कि 22-23 में लोग सीए क्वालिफाई करके काम करना शुरू कर देते हैं. फिर भी एक 24 का भी कैप लेना, तो 24 साल की एज तक आपको उस कैपेसिटी में पहुंचना है कि यू स्टार्ट अर्निंग. और आपका स्टार्ट जितना अच्छा होगा ना, बाद के जो आपके साल होंगे वो भी वैसे ही शेप अप करेंगे. तो इसके लिए हमें ये जो सीए कोर्स है ना, इसको पढ़ाई के तरह से नहीं लेना है. यू हैव टू टेक इट एज योर वर्क. कैसे लेना है, यू हैव टू टेक इट एज योर वर्क. मतलब जैसे कि अगर आपका कोई फ्रेंड आज के दिन में बिजनेस में जाता है, बिकॉज आज के दिन में इंडिया में देयर इज अ कल्चर ऑफ स्टार्टअप. बहुत सारे स्टार्टअप्स आ रहे हैं, यंग बच्चे एंटरप्रेन्योर्स बन के बड़ी बड़ी कंपनीज फॉर्म कर ले रहे हैं. वो भी क्या करते हैं, डे इन डे आउट व्हाट दे डू इज दे स्पेंड टाइम ऑन देयर बिजनेस. कुछ भी हो जाए, उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहती है, जो बिजनेस उन्होंने सेटअप किया है. यहां पे थोड़ा सा डिफरेंस क्या है ना कि अभी ये आपका प्रेपरेटरी स्टेज है. मतलब अगर किसी को फैक्ट्री लगानी है ना, तो डे 1 से उनकी फैक्ट्री स्टार्ट नहीं हो जाएगी. उनकी फैक्ट्री को पहले सेटअप करना पड़ेगा, और वो सेटअप करने के बाद उनकी फैक्ट्रीज में काम शुरू होगा. तो सिमिलरली यहां पे हमें क्या करना होगा ना, अभी हम हमारी फैक्ट्री सेटअप कर रहे हैं. हमें ये फैक्ट्री सेटअप करने में 4.5 साल लगेंगे अगर हम सारे लेवल्स को एक बार में क्लियर कर लेते तो.
और 4.5 साल के बाद जब हमारी ये फैक्ट्री सेटअप हो जाएगी ना, हमें मे बी वी वॉन्ट टू गो टू जॉब, तो हमें जॉब ऑफर्स मिलनी शुरू हो जाएगी, हमें हमारी प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू करनी है तो हम अपने प्राइवेट प्रैक्टिस के तरफ बढ़ने लगेंगे, हमें कोई बिजनेस शुरू करना है वो भी कर पाएंगे। बट जितना ज्यादा टाइम और जितनी सीरियसनेस के साथ हम इस कोर्स को पढ़ेंगे, उतने कम समय के अंदर हम इस कोर्स को क्लियर कर लेंगे। अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह समझना कि अभी आप इतने सारे बच्चे जो यहां पे बैठे हुए हो, इसमें हो सकता है किसी को क्लास 12 में 95% आया है, किसी को क्लास 12 में 65% आया है। मेरे अंडरस्टैंडिंग से आप लोग सेम बेस पे हो, देर इज नो डिफरेंस। मतलब हिस्ट्री में जो हो चुका है ना वो अभी कंटिन्यू होगा कि नहीं होगा वैसा जरूरी नहीं है। सीए या किसी भी प्रोफेशनल एग्जाम में पास करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहता है कि आप डिसिप्लिन्ड रहो और अपना काम कंसिस्टेंटली करते रहो। अगर आप डीरेल्ड होते हो, डीट्रैक होते हो, मतलब कि भाई कुछ समय पढ़ाई की फिर उसके बाद पढ़ाई से ट्रैक छूट गया, फिर वापस फायर फाइट करने के लिए एग्जाम के एक महीने पहले पढ़ाई करनी शुरू कर दी, अगर वैसा करोगे ना यू विल नॉट गो लॉन्ग। हो सकता है एक आध लेवल आपका निकल भी जाए उस तरीके से। बट एक बात सोचो, थिंक अबाउट अ पर्सन जिसने 3 साल 4 साल इस पर्टिकुलर कोर्स में दे दिए एंड अब बीच में जाके अब वो फंस गया है। टाइम तो चला गया ना, एज उसकी 23-24 तक वो पहुंच गया। नाउ व्हाट हैपेंस, इट बिकम्स रियली फ्रस्ट्रेटिंग बिकॉज यू आर नोवेयर। बिकॉज ये सीए सीएससीएमए ऐसे कोर्स है ना कि अगर आपके पास डिग्री है तो आपकी वैल्यू है, अगर डिग्री नहीं है तो आपके पास वैल्यू नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने सीए फाइनल का एक ग्रुप क्लियर कर लिया है, एक ग्रुप बाकी है, वो एक ग्रुप बाकी के वजह से अगर वो जॉब मार्केट में जाएगा ना, उसको 15,000-20,000-25,000 की सैलरी की जॉब ऑफर होगी। और वही एक ग्रुप अगर वो पास करके सीए क्वालिफाई कर लेता है तो टुडे देयर आर पीपल हु गेट 15 लाख 20 लाख ऑफ ओपनिंग जॉब ऑफर्स। तो इतनी ज्यादा सिग्निफिकेंट डिफरेंस हो जाती है इन देयर वैल्यू, इन देयर अर्निंग्स। एंड देखो, एट द एंड ऑफ द डे यू गाइज आर ओल्ड इनफ टू अंडरस्टैंड के लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है पैसा, राइट? मनी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर पैसा है ना तो बाकी सारी चीजें आप मैनेज कर लोगे, और अगर पैसा नहीं है ना तो बाकी सारी चीजों को मैनेज करने में सब्सटैंशियल डिफिकल्टी पड़ती है। और ये कोर्स जो हम कर रहे हैं ना वो क्यों कर रहे हैं, बिकॉज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वी स्टार्ट अर्निंग, राइट? वी बिकम इंडिपेंडेंट एंड वी कैन प्रोवाइड कुशन टू द पीपल हु एक्सपेक्ट फ्रॉम अस। तो ये पर्सपेक्टिव मेरा एकदम क्लियर होना चाहिए। आपकी डेली हैबिट्स डिटरमाइन करेगी कि आप सीए बनोगे, सीएमए बनोगे, सीएस बनोगे कि नहीं बनोगे, राइट? ओनली एंड ओनली योर डेली हैबिट्स, बिकॉज रेपिटेटिव बेसिस में जो आप करते हो ना डे इन डे आउट, वो डिटरमाइन करता है कि आपका रिजल्ट कैसा होगा। एक दिन मैं 12 घंटे बैठ के पढ़ लेता हूं, फिर बाकी दिन उस वीक में कुछ नहीं करता हूं, डू यू थिंक आई विल सक्सीड? आंसर इज नो। बट हाँ, अगर मैं 7-7 घंटे 8-8 घंटे डेली ओवर द पीरियड ऑफ वीक पढ़ता हूं, डेफिनेटली माई रिजल्ट विल बी डिफरेंट। तो हमें ये चीज याद रखनी है, इसलिए आपके फर्स्ट पेज में वेन एवर यू फील के यू आर गोइंग आउट ऑफ रूट, आप डिट्रैक हो रहे हो, इस फर्स्ट पेज को आपको देखना है और आपको याद करना है कि वाई आई वॉन्ट टू बिकम अ सीए। आप सबको मैं ये बोलता हूं कि आज प्लीज एक काम करना, घर जाने के बाद अपने स्टडी मटेरियल पे, कॉपी पे, कहीं पे भी एक क्वेश्चन लिख लेना, व्हाई आई वांट टू बिकम अ सीए, एंड टेक सम टाइम आउट एंड थिंक एंड गिव द आंसर्स के भाई तुम्हें क्यों सीए बनना है। एट दैट पॉइंट अगर, बिकॉज देखो क्या होता है ना कि जब कोई भी चीज हम चालू करते हैं ना, हमारे में मोटिवेशन एंथुजियाज्म बहुत ज्यादा रहता है, एंड वॉट वी ट्राई टू डू इज के नहीं यार इसको तो हम 100% अचीव कर ही लेंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट ओवर द पीरियड है ना वो हमारा जो एंथुजियाज्म होता है, हमारा जो जील होता है, वो फेड आउट होने लगता है। एंड एज इट स्टार्ट्स फेडिंग आउट ना, क्या होता है कि फिर हम जितना एफर्ट हमें देना चाहिए वो देना छोड़ देते हैं, एंड दैट इज वेयर थिंग्स गो रॉन्ग। और यहाँ पे ये जो सीए का कोर्स है या सीए में जो भी आप प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो, इट्स नॉट अ लेट्स स्प्रिंट, ये एक रेस नहीं, एक मैराथन है। बिकॉज आपको पता है कि 3 साल 4 साल 4.5 साल आपको कंसिस्टेंटली मेहनत करती रहनी है इफ यू वॉन्ट टू अचीव सक्सेस ऑन अ रेगुलर बेसिस, और कहीं पे भी आपको सेटबैक नहीं चाहिए। सो देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, दैट सक्सेस इज अ कॉम्बिनेशन, राइट? सक्सेस क्या है? इट इज अ कॉम्बिनेशन
ऑफ प्लान एंड परसिवियरेंस, मतलब आपके पास एक प्लान होना चाहिए कि किस तरीके से आपको अपने गोल को अचीव करना है. परसिवियरेंस मतलब जो आपने प्लान ऑफ एक्शन डिटरमाइन किया है कि ये पांच चीज या ये दस चीज मैं करूंगा तो मैं क्वालिफाई करूंगा, तो पेशेंस के साथ कंसिस्टेंसी के साथ वो चीज आपको करते रहनी है. इफ यू आर एबल टू डू दैट तभी जाके आपको सक्सेस मिलेगी. ठीक है, अभी देखो हम क्या करेंगे ना, पिरामिड अप्रोच अडॉप्ट करते हैं फॉर आवर प्रिपरेशन स्ट्रेटजी. और हमेशा याद रखना कि इस किसी भी चीज में अगर आपका क्रॉस लगता है ना तो आपके फेल होने के चांसेस है. अगर इसमें से हर एक चीज में आपका टिक लगता है ना, आई कैन अश्योर यू कि आपको पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता. इसमें सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अटेंड क्लासेस रेगुलरली, बिकॉज आप सेल्फ स्टडी मोड में नहीं हो, आपने ट्यूशन्स ज्वाइन किए हैं सो दैट आपका प्रेपरेशन आगे बढ़ता रहे. तो ये ट्यूशन्स जो है, ये जो क्लासेस जो है, आपको रेगुलरली अटेंड करने हैं विदाउट फेल. अगर आपके क्लासेस मिस होंगे बैकलॉग क्रिएट होता जाएगा, बिकॉज देखो ऐसा नहीं है ना कि फाउंडेशन के क्लासेस में गैप रहता है, छह दिन हम लोग क्लासेस करते हैं, डबल क्लासेस करते हैं, तो क्लासेस तो चलते रहेंगे. पुराना जो आपको कवर अप करना है वो कॉलेज रेगुलर क्लासेस के बाद जाके टाइम निकाल के उसको कवर अप करना है. तो इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि क्लासेस मिस ना हो. क्लासेस मिस होंगे तो बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी. सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मतलब इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है ही नहीं, रिवाइज द पोर्शन डन इन क्लास ऑन द सेम डे. मतलब अगर आप मेरे को गारंटी देते हो ना कि सर हम फाउंडेशन इंटर फाइनल तीनों लेवल पे ये करने के लिए रेडी है, तो देखो क्या होगा ना, मैं तुमको गारंटी दे सकता हूं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आप सारे लेवल्स क्लियर कर लोगे. हम बहुत सारे, इफ यू फॉलो द यूट्यूब चैनल हमारा, तो वहां पे देखोगे हम बहुत सारे सक्सेसफुल स्टूडेंट्स के इंटरव्यूज भी अपलोड करते हैं, और वहां पे यू वुड सी दैट ईच एंड एवरी स्टूडेंट जो पास करता है ना, उसके एक्सपीरियंस में ये चीज तो होती है कि हमने साथ साथ पढ़ाई की थी. साथ साथ पढ़ाई की ना, तो जब क्लासेस खत्म हुए हमारा सिलेबस भी खत्म हो गया, उसके बाद हम लोगों ने रिविजन करना शुरू किया और अच्छे से हमारा क्लियर हो गया. और जो फेल होते हैं कुछ अटेम्प्ट्स में, राइट, वो अपनी गलती में क्या रिकग्नाइज करते हैं कि हम खाली ट्यूशन्स तो करते थे, हम ट्यूशन्स जाते थे, बट साथ साथ हम लोगों ने पढ़ाई नहीं की. और जो कि साथ साथ हम लोगों ने पढ़ाई नहीं की ना, इस वजह से जो हमारा रिजल्ट था वो सफर किया. क्लासेस तो खत्म हो गए बट हमने रिविजन नहीं किया, तो इतनी सारी चीजें जो पढ़ी थी वो याद थोड़ी ना रही. और जब हमें एक दो महीने का टाइम मिला सेल्फ स्टडी के लिए, वहां पे इतना सारा चीज कवर करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं था. तो ये प्लस योर होमवर्क. देखो हमारा जो अप्रोच है ना, वी ट्राई टू सॉल्व ऑल दी क्वेश्चन इन दी क्लास, भले अकाउंट्स बोलो, मैथ्स बोलो, हर एक सब्जेक्ट में हमारी ये कोशिश रहती है कि अगर 20 क्वेश्चंस भी हमारे स्टडी मटेरियल में दिए गए हैं तो क्लास में हम आपके साथ सॉल्व करें. बट आपके लिए ये जरूरी है कि उस पोर्शन को सेम डे जाके आप रिवाइज करो घर पे, और एक होमवर्क कॉपी मेंटेन करो जहां पे होमवर्क कॉपी में वो सेम चीज आप वापस सॉल्व करके मेरे को दिखाओगे. अभी देखो एक चीज याद रखना, होमवर्क मतलब होमवर्क क्या, जो हमने क्लास में कराया वो वापस जाके होमवर्क कॉपी में अपना करना. कैसे करना, जैसे हमने कुछ सम सॉल्व किए, आपने क्लास समझ लिए. अभी देखो क्या होता है ना कि बहुत बार अगर किसी को हम लॉन टेनिस या टेबल टेनिस खेलते देखते हैं ना, तो लगता है यार कितना इजी गेम है, आराम से खेल लेंगे. बट अगर हम खुद खेलने की कोशिश करेंगे ना, तो एक सर्व भी हम प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे अनलेस वी नो दैट पर्टिकुलर गेम वेल. तो देखो क्लासेस अटेंड करना वैसा ही है, मैं पढ़ा रहा हूं ना तो सब कुछ ईजी लगेगा, अरे यार ये तो बहुत ईजी है. मैं सम सॉल्व कर रहा हूं ना तो इजी लगेगा बिकॉज मैंने आपको बताया कि क्या उसका ट्रीटमेंट था. बट इफ यू ट्राई टू डू इट ऑन योर ओन ना, यू विल फाइंड कि भाई नहीं, मेरे को डिफिकल्टी हो रही है, ये कॉन्सेप्ट मेरे को समझने में डिफिकल्टी हो रही है. वो होगा कब, जब मैं कुछ क्लास में कराता हूं उसके बाद जब आप उसको रिवाइज करते हो, रिवाइज करके अपने आप जब उसको सॉल्व करने बैठोगे ना, यू विल फाइंड कि कुछ जगह पे आप अटक रहे हो, कुछ जगह के आपको कॉन्सेप्ट पे और रिफाइनमेंट की जरूरत है. तो क्या होगा ना, वापस नोट्स रिवाइज करोगे, क्लियर हो जाएगा. नेक्स्ट डे आप आके मेरे से डिस्कस करोगे तो वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. बट उसी चीज को तीन महीने के बाद करोगे ना, इट विल नॉट हेल्प, बिकॉज सारी मेमोरी तब तक आपकी इरेज हो गई होगी.
तो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि क्लासेस रेगुलरली अटेंड करो. क्लासेस रेगुलरली अटेंड करने के बाद उस पोर्शन को सेम डे रिवाइज करो. और देखो क्या करना है ना, हमें क्लासेस को बहुत ही ज्यादा इंटरेक्टिव बनाना है. मतलब ये वन वे प्रोसेस नहीं होना चाहिए कि बस मैं बोलते जा रहा हूं और आप लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो. डेस्टिनेशन पे पहुंचना वर्थ इट तभी होगा जब हम हमारी पूरी जर्नी को इंजॉय करेंगे. मतलब ये क्लासेस बर्डन हमारे लिए नहीं होने चाहिए कि यार जाना पड़ रहा है, पढ़ना पड़ रहा है. इट शुड बी कि यार आज हम कुछ नया सीखने वाले हैं, वील अंडरस्टैंड सर्टन न्यू कॉन्सेप्ट. बिकॉज अगेन ये जो हम पढ़ाई कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब हम हमारी आर्टिकलशिप ज्वाइन करें इंटर के बाद, या जब हम सीए क्वालिफाई करने के लिए काम करना शुरू करें, तब ये जो सारा कुछ हमने पढ़ा है उसको इफेक्टिवली अप्लाई कर पाए, राइट. और हम उसको अप्लाई करके इट गिव्स अस अ सेंस ऑफ अचीवमेंट कि हाँ देखो ये पढ़ा, इसको प्रैक्टिकली हमने यूज किया और इससे हम लेट से हमने कुछ अर्न किया, हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने बेनिफिट किया. तो वो अप्रोच से कि कुछ नया सीखना है, वी आर लर्निंग समथिंग न्यू. और आप जब अपने फ्रेंड्स के साथ भी डिस्कस करो ना कुछ चीजें, तो इंस्टेड ऑफ डिस्कसिंग व्हाट न्यूज इज गोइंग ऑन और व्हाट हैपेंड इन बॉलीवुड, कोई काम का नहीं है यार. दे आर मेकिंग देयर ओन मनी, हमें फैंस बना लेते हैं वो और वो ब्रांड एंडोर्समेंट करके पैसा बनाते हैं, राइट. बट हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि वी बिकम हीरोज ऑफ आवर लाइफ. जो हमारे फैमिली मेंबर है वो हम पे गर्व करे कि नहीं यार देखो ये इतना अच्छा कर रहा है, इज ग्रोइंग एंड ही इज मेकिंग सो मच वेल्थ फॉर हिमसेल्फ एंड फॉर हिज फैमिली. तो उसके लिए व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू फोकस ऑन आवर वर्क. बाकी देखो क्या हो रहा है ना पूरे दुनिया में, वी आर नॉट द मिनिस्टर्स. हमारे ओपिनियन अगर कुछ अलग भी हो ना तो उससे भी कुछ चेंज होने वाला नहीं है. ऑल्दो वी शुड बी अवेयर ऑफ आवर सराउंडिंग्स, हमें पता होना चाहिए, बट उस पर टाइम वेस्ट करके कोई भी फायदा नहीं है. अनादर इंपॉर्टेंट थिंग इन द प्रोसेस इज द रेगुलर टेस्ट. देखो हमारे यहाँ ये प्रोसेस है कि हम चैप्टर वाइज टेस्ट लेते हैं, राइट. आफ्टर एवरी चैप्टर इज डन इमीडिएटली वो टेस्ट होता है. क्यूमुलेटिव बेसिस पे टेस्ट लेते रहते हैं, मतलब चैप्टर वन के बाद चैप्टर वन का टेस्ट होगा, चैप्टर टू के बाद चैप्टर वन और टू का टेस्ट होगा, चैप्टर थ्री के बाद वन टू थ्री का टेस्ट होगा. सो दैट आप एक क्यूमुलेटिव बेसिस पे ओवर द पीरियड आप इसको करते रहो. और अभी जैसे कि नवंबर एग्जाम के लिए जो प्रिपरेशन चल रहा है, यू वुड हैव सीन हम लोगों ने अभी तक इन लास्ट टू थ्री मंथ्स कम से कम 70-80 टेस्ट ले ली होगी चैप्टर वाइज कर करके. अभी टेस्ट चल रही है, एवरी डे स्टूडेंट्स आर गिविंग टेस्ट. और वो बच्चे जो कंसिस्टेंटली टेस्ट देते हैं ना वो क्लियर डेफिनेटली करते हैं. अभी देखो दो चीज होता है, ध्यान से समझना. एज स्टूडेंट्स आप लोगों का हमसे क्या एक्सपेक्टेशंस है कि भाई हम अच्छे से अच्छा आपको पढ़ाए, वी प्रोवाइड यू द बेस्ट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, कंसिस्टेंटली हम सारा मटेरियल आपका कवर करें, आपको सारे सम्स कराए, एंड वी प्रोवाइड यू द बेस्ट ऑफ द एजुकेशन. तो ये तो आप हमसे एक्सपेक्टेशन लगा लेते हो. नॉर्मली स्टूडेंट्स का हमने ये देखा है ना कि इन टर्म्स ऑफ देयर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम देयर टीचर्स दे वांट अस टू टर्न द वर्ल्ड अराउंड फॉर देम. ठीक है, नो प्रॉब्लम, वी आर रेडी टू डू वॉट एवर इज रिक्वायर्ड. बट फिर क्या हमारी आप लोगों से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं हो सकती है? इज इट अ वन वे ट्रैफिक? द आंसर इज नो. कि अगर आप मेरे से एक्सपेक्ट करते हो और वो चीज मैं डिलीवर करता हूं, तो मैं भी आपसे ये एक्सपेक्ट करता हूं कि जब भी हम टेस्ट रखेंगे आप टेस्ट में अपियर करोगे. इट कैनॉट बी अ डिस्क्रिशन के मेरे को टेस्ट देना होगा ना तो मैं टेस्ट दूंगा और अगर मेरे को टेस्ट नहीं देना है तो मैं नहीं दूंगा. टेस्ट आर मैंडेटरी. अगर आप टेस्ट नहीं दोगे ना तो मैं आपको पढ़ाऊंगा नहीं. बिकॉज इट कैनॉट बी वन वे के मैं पढ़ाते जा रहा हूं और आप अपनी लिबर्टी से टेस्ट स्किप कर रहे हो, और जब अंत में रिजल्ट खराब आएगा ना तब बोलोगे यार मेरे को ठीक से पढ़ाया नहीं था, मेरे को समझ में नहीं आया था इसलिए मैं क्लियर नहीं हुआ. और अभी तो देखो टेक्नोलॉजी इज देयर, ब्लेम गेम कौन करते हैं? जो कमजोर लोग होते हैं ना वो ब्लेम गेम करते हैं, और जो स्ट्रांग होते हैं, जो एक्चुअल में लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं ना, वो हमेशा सारी चीजें खुद पे लेते हैं कि अगर मैंने ठीक से किया होता तो मेरा रिजल्ट अच्छा होता. अभी तो हम लोग ऐप बेस्ड, आप लोग अभी देखोगे वंस यू ओपन योर मोबाइल ऐप हमारे क्लासेस का, आप लोग सबको एक नए बैच में ऐड कर दिया गया है, विच इज दी प्रेपरेशन बैच फॉर दी फोर्थ कमिंग एग्जाम. आपका डेली रूटीन, आपका अटेंडेंस, आपके टेस्ट, आपके असाइनमेंट, सारा कुछ उस ऐप में रिकॉर्डेड रहेगा. तो अगर समझो कि आप सक्सेसफुल भी होते हो ना इस एग्जाम में, और मैं चाहता हूं कि सारे लोग सक्सेसफुल हो,
तो आप ऐप खोल के देखोगे ना तो आपको अटेंडेंस दिखेगी, मार्क्स दिखेगी, और आपको पता चलेगा कि हाँ देखो मैं इतना कंसिस्टेंटली इतना रेगुलरली मैंने ये चीज किया ना, इसलिए मेरा रिजल्ट पॉजिटिव आया। और अगर गॉड फॉरबिड कोई फेल भी होता है ना, तो डेफिनेटली जब वो ऐप खोल के देखेंगे ना, हमने इतने दिन एब्सेंट किया, इतने होमवर्क हमने नहीं किए, इतने टेस्ट हमने स्किप किए, अगर वैसा करोगे तो डेफिनेटली फेल होने के चांसेस बढ़ेंगे ना। इसलिए ईच वन ऑफ अस हैज टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर आवर सेल्फ। और ये जो पूरा प्रेपरेशन प्रोसेस है ना, ये हम लोग को एक क्यूमुलेटिव और एक टीम गेम बनाना है। मतलब अगर मेरे को आपसे कोई प्रॉब्लम है, आई विल कम स्ट्रेट अवे एंड टेल यू के यार तू ऐसा कर रहा है, मेरे को लग रहा है कि यू आर गोइंग आउट ऑफ द वे, यू नीड टू इम्प्रूव योर सेल्फ। सिमिलरली अगर आपको भी कोई प्रॉब्लम है कि सर ये चीज मेरे को समझ में नहीं आई, या देर इज अ सजेशन, बिकॉज देखो क्या होता है ना, एवरीथिंग इज एन इम्प्रूवमेंट प्रोसेस। ओवर द पीरियड हमारा रिजल्ट बेटर होते रहता है, राइट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। ये सब क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द फीडबैक विच वी रिसीव फ्रॉम द स्टूडेंट्स, राइट, बिकॉज वी टीचर एंड स्टूडेंट आर अ सिंगल यूनिट, एक टीम के तरह हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, बिकॉज दोनों ऑब्जेक्टिव क्या है कि सक्सेस अटेंड करे। तो अगर आपको भी कोई प्रॉब्लम है, आपको भी कोई सजेशन देना है कि सर इसको ऐसे नहीं करके अगर ऐसे करेंगे ना तो और ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट होगा, इस चीज को हम और अच्छे से कर पाएंगे, यू आर मोस्ट वेलकम। बिकॉज अपने किसी फ्रेंड को बता के या किसी और को बता के क्या वो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा? द आंसर इज नो, दैट विल ओनली रिमेन अ गॉसिप के ऐसा नहीं हुआ। बट इफ यू कम एंड टेल मी, तब डेफिनेटली वील बी एबल टू वर्क एंड वील बी एबल टू प्रोवाइड अ सोल्यूशन जहां पे सबको बेनिफिट मिलेगा। तो इस एंटायर प्रोसेस में आपको कंस्ट्रक्टिवली पार्टिसिपेट करना है इफ यू आर एबल टू डू इट। बिकॉज देखो हमारा क्या एक्सपेक्टेशन रहता है कि ऑल आवर स्टूडेंट्स क्लियर। ऐसा कोई भी होगा कि टीचर जो चाहेगा कि नहीं मेरे क्लास में कोई बच्चा फेल हो जाए? द आंसर इज नो। हमें तो क्या एक्सपेक्टेशन होता है कि रैंक्स आए, अच्छे से अच्छे मार्क्स आए, सो दैट पीपल गो अहेड इन देयर फ्यूचर। आज इफ आई कंसिडर, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट सीए बन चुके हैं, दे आर वर्किंग इन बिग कॉर्पोरेट्स, सो इट फील सो प्राउड के देखो जिन्होंने हमारे साथ जर्नी स्टार्ट की थी, ओवर द पीरियड हमारे से कनेक्टेड थे और आज जाके किसी कंपनी में मे बी दे आर वर्किंग। बहुत सारे बच्चे बिग फोर्स में, आईटीसी में, विप्रो, बड़ी बड़ी कंपनीज में दे आर वर्किंग राइट नाउ, राइट? सो इट गिव सच ए सेंस ऑफ अचीवमेंट। और आपके लिए भी तो वैसा ही सोच रहा हूं ना कि भाई आप आज अपनी ये जर्नी स्टार्ट कर रहे हो, बट मे बी आफ्टर 4 years, 5 years, वंस यू क्लियर, राइट, यू बिकम समथिंग इन लाइफ और आप अचीव कर सको, एंड देन यू थिंक बैक कि देखो ये जर्नी कितनी कंस्ट्रक्टिव रही। तो उस वजह से ये सारा प्रोसेस फॉलो करना जरूरी है। इफ यू आर एबल टू फॉलो दिस प्रोसेस, आई कैन गारंटी सक्सेस मिलेगी, पर यू हैव टू बी ट्रू टू योर सेल्फ। अगर इसमें से कोई भी स्टेप आपने फॉलो नहीं किया ना, देन यू नीड टू टेल योर सेल्फ कि भाई ये मैंने नहीं किया इसलिए मेरा रिजल्ट गलत आया। वील एंश्योर कि आप उस जगह जाओ ही नहीं, बिकॉज देखो देर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन ऑनलाइन क्लासेस एंड ऑफलाइन क्लासेस। अभी तक तो ऑनलाइन क्लासेस चल रहा था ना, वी वर ट्राइंग आवर बेस्ट, बट फिर भी स्टूडेंट पे जितना ऑफलाइन सिनेरियो में कंट्रोल रहता है ना, उतना ऑनलाइन में कंट्रोल नहीं रह पाता। बिकॉज अगर मेरे सामने हो ना तो मेरे को पता चल जाता है, अ स्टूडेंट कम्स इन टू द क्लास, आई कैन टेल यू विथ एक्सपीरियंस कि वो बच्चा पास होने वाला है कि नहीं होने वाला है, जस्ट लुकिंग एट दैट पर्सन, जस्ट लुकिंग एट द एटीट्यूड एंड बिहेवियर ऑफ दैट पर्सन। बिकॉज जो अचीवर्स होते हैं ना, उनका एटीट्यूड, उनका बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट होता है, और जो लाइफ में आराम आराम से जीना चाहते हैं ना, उनका बॉडी लैंग्वेज, उनका एटीट्यूड डिफरेंट रहता है। बिकॉज सी एट दिस एज यू शुड बी फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ एंथुजियाज्म कि भाई अभी तो क्या है ना कि मस्त, वी हैव टू एंजॉय आवर लाइफ एंड वी हैव टू कीप ऑन स्टडिंग, कीप ऑन बिल्डिंग आवर सेल्फ, सो दैट हम कुछ इसमें अचीव कर पाए। अगर आपका एटीट्यूड ही ऐसा है कि भाई जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है, कोई मतलब नहीं है, तो उससे सक्सेस मिलने में बहुत ज्यादा लेट्स से डिफिकल्टीज आती है। सो यू हैव टू बी लाइक फुल ऑफ एनर्जी, मोटिवेशन, एंड ऑलवेज ट्राई टू बी हैप्पी। एंड अभी देखो जैसे मोबाइल फोन, ये वो, देर आर लॉट ऑफ एडिक्शन विच आर देयर, और जब उसका एडिक्शन लग जाता है ना, उसको छोड़ना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है। नॉट दैट बिकॉज वी डील विथ थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स, नॉट दैट कि वो बच्चा उस एडिक्शन को छोड़ना नहीं चाह रहा है, बट उस एडिक्शन ने उसको इतना ज्यादा पकड़ लिया है ना कि वो छोड़ ही नहीं पा रहा है। सो लेट्स नॉट गो टू दैट पर्टिकुलर एक्सटेंड ना। एक लाइन हम अपने लिए ड्रॉ कर लेते हैं कि ये जो फोन का यूजेज है,
जो गेम्स का यूजेज हमें इतने एक्सटेंट तक लिमिटेड रखना है, उससे ज्यादा हमें जाना ही नहीं है। इफ यू आर एबल टू डू इट, तब उस प्रॉब्लम में गिरोगे ही नहीं, और अगर वो नहीं कर पाओगे देन यू विल फॉल इन टू दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम। फाइनली देखो क्या होगा ना कि इस कोर्स को प्रिपेयर करने में वी विल टेक अप्रोक्सीमेटली 4 to 4.5 months सारी चीजें कवर करने में, राइट? थ्रू आउट द पीरियड कंसिस्टेंटली हम ये करेंगे। वंस योर प्रेपरेशन इज ओवर यू विल गेट अप्रोक्सीमेटली 1.5 months फॉर योर रिविजन। अब एक चीज याद रखना कि ये समय प्रिपरेशन के लिए नहीं है, ये समय किस चीज के लिए? रिविजन। अब इसे रिविजन और प्रेपरेशन में क्या फर्क होता है? मैंने एक टॉपिक क्लास में कर लिया, करने के बाद उसको कभी देखा ही नहीं। अब ये जो 1.5 months बचे ना, उसमें बुक खोली और बोला कि चलो अभी ये सब करना शुरू करते हैं, ये रिविजन नहीं है, ये क्या है? प्रेपरेशन। बिकॉज मेरे कराने के बाद अगर किसी टॉपिक को आप पहली बार कर रहे हो ना, दैट इज प्रेपरेशन, दैट इज नॉट रिविजन। रिविजन किसको बोलेंगे? कि ये 4.5 महीने में आपने हर एक टॉपिक को 2 बार 3 बार ऑलरेडी कर चुके हो, आपने इन टॉपिक्स की टेस्ट भी दे दी है, अब फाइनली इन दिस 1.5 months आप इन टॉपिक्स को वापस रिविजिट कर रहे हो जस्ट टू एंश्योर कि आपने जो सीखा है वो कॉन्सेप्ट्स इंटेग है। मतलब मैंने बुक खोली, खोलने के बाद क्या होगा ना भाई, ये चैप्टर मेरे को करना है, विदाउट ओपनिंग दैट पर्टिकुलर सेक्शन आप मन में बोलोगे देखो ये चैप्टर का ये कॉन्सेप्ट था, ये था, ये था, ये था, पूरा आपने मेंटली अपने माइंड को बता दिया। उसके बाद आपने पेजेस फ्लिप करके देखा, यार मेरे को तो सारा कुछ पता था, मेरे को वो कंटेंट देखने की भी जरूरत नहीं थी। हो सकता है कि इतने बड़े में 3-4 पॉइंट्स आप भूल गए रिकैप करना, तो वो जब आपने खोल के देखा वो पॉइंट्स रिकैप हो गए कि भाई ये जो पॉइंट्स थे अब मेरे को पता चल गया, नाउ आई एम थोरो विद इट। इसके बाद कुछ प्रैक्टिकल सम्स, जब हम सम्स करेंगे ना, देखो अकाउंट्स में स्पेसिफिकली अकाउंट्स की अगर बात करूं ना, तो एक 10 मार्क्स का सम या एक 15 मार्क्स का सम में नए एडजस्टमेंट तो 2-3 मार्क्स के 4 मार्क्स के ही आ सकते हैं। बिकॉज इफ यू आर सपोज टू मेक अ फाइनल अकाउंट्स, तो आपको पता है यार क्या चीज ट्रेडिंग में जाता है, क्या चीज पीएल में जाता है, क्या चीज बैलेंस शीट में जाता है। प्रॉब्लम कहां पे मेरे को आ सकती है कि भाई एडजस्टमेंट में 2 ऐसे एडजस्टमेंट दिए गए हैं जहां पे मेरे को सोचना पड़ रहा है ट्रीटमेंट क्या होगा। मतलब 80% ऑफ दी सम्स तो हम किसी भी टॉपिक में आराम से कर सकते हैं वंस वी नो दी टॉपिक। चैलेंज खाली 20% का रहता है कि अगर कोई एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट मेरे को याद है कि नहीं याद है कि वो नया एडजस्टमेंट आया है। तो हम क्या करते हैं ना, किसी भी सम में जो पिक्यूलर टाइप के एडजस्टमेंट होते हैं उसको मार्क करके रख देते हैं कि जब हम उसको वापस रिविजिट करेंगे ना, तब हम क्या करेंगे, उसको 2 बार 3 बार 4 बार देखते रहेंगे, सो दैट उसके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाए। और जब सम सॉल्व भी करेंगे ना, तो प्लेन वनीला सिंपल सम सॉल्व करने का तो कोई फायदा नहीं है ना, बिकॉज वो हमें आता है, बहुत बार कर चुके हैं। हम सम्स ही वैसे वापस सॉल्व करेंगे जहां पे कुछ पिक्यूलर ट्रीटमेंट हो, तो एक पूरा सम सॉल्व करने का भी प्रैक्टिस हो जाए और साथ ही साथ हमारा वो जो पिक्यूलर एडजस्टमेंट है वो भी कवर हो जाए। एंड इफ यू आर एबल टू डू दिस, आई कैन अश्योर यू कि आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा, राइट? यू देयर इज नथिंग विच कैन स्टॉप यू फ्रॉम दिस। पर ये मंत्र आपको याद रखना है कि क्लासेस रेगुलरली अटेंड करने हैं। जितने आवर्स मैंने क्लासेस अटेंड किए हैं उतने इक्वल आवर्स एटलीस्ट मेरे को सेल्फ स्टडी में डालना है, एंड उसके बाद मेरे को लेट्स से होमवर्क जो है वापस सारा कुछ वो करना है। जितने भी टेस्ट हमारे हो रहे हैं सारे के सारे टेस्ट आपको अटेम्प्ट करने हैं, बिकॉज टेस्ट चेक करने के बाद फीडबैक मिलता है, रिजल्ट मिलता है, तो उससे भी हम पता कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट, बिकॉज जितना ज्यादा सॉल्व करेंगे उतना ज्यादा हम लोगों को स्पीड बढ़ेगा। एंड देन प्रॉपरली रिविजन प्लानिंग बिफोर दी एग्जाम, उसमें भी वील हेल्प यू के किस तरह से आपको वो करना है। एंड इफ यू आर एबल टू डू दिस एंटायर प्रोसेस, देयर इज नथिंग टू स्टॉप यू। पर इज इट इजी टू डू दिस? आंसर इज योर डेली हैबिट्स। अगर आप अपने लाइफ में अपनी प्रायोरिटी सेट कर चुके हो, आप अगर अपने लाइफ में ये डिटरमाइन कर चुके हो कि भाई मेरे को सीए बनना है या सीएमए बनना ही है, देन देयर इज नथिंग टू स्टॉप यू। बिकॉज सी एक छोटा सा एग्जाम्पल शेयर कर रहा हूं, बिकॉज वेन वी डील विद लॉट ऑफ स्टूडेंट देयर लॉट ऑफ सिनेरियोज विच कम इन फ्रंट ऑफ अस। आई गेट अ कॉल 2 months बिफोर दी एग्जाम सेइंग के भाई मेरे है ना कजिन की वेडिंग है घर में,
इसलिए मैं पढ़ाई नहीं कर पा रही हूं बिकॉज देर विल बी गेस्ट देर विल बी प्रेपरेशन एंड एवरीथिंग सो दैट इज वाई मैं मेरा प्रेपरेशन नहीं कर पा रही हूं. अब इसका कोई सोल्यूशन है क्या? देर इज नो सोल्यूशन. आपने अपनी प्रायोरिटी डिसाइड कर ली है कि माई सिस्टर्स वेडिंग और माई कजिन वेडिंग इज द प्रायोरिटी एज अगेंस्ट माई ओन प्रेपरेशन, तब उसका कोई इलाज नहीं है. मैं क्या बोलता हूं कि एक काम करो ना, उसकी वेडिंग है इससे तुम पढ़ाई नहीं कर पा रही है ना, उसको जाके बोलो कि मेरी एग्जाम है ना तो वेडिंग एक महीने के बाद कर लेना. विल दैट पर्सन चेंज हिज और हर प्लान? नहीं. वो बोल आपको भाई तेरे को आना है तो आना, नहीं आना है तो मत आना, मैं तो इसी दिन शादी करूंगा या करूंगी. सो वाई आर यू वॉन्टिंग टू चेंज योर प्रायोरिटी बिकॉज समबडी एल्स? ये चीज आपको ध्यान में रखनी है बिकॉज पढ़ाई को हमेशा हम हल्के में ले लेते हैं, लाइटली ले लेते हैं. मे बी देयर इज अ फ्रेंड जो कि कुछ प्रोफेशनल कोर्स नहीं कर रहा है, वो बिजनेस में है या अपनी जॉब कर रहा है. आप उसको बोलोगे कि यार आज ऑफिस मत जाओ या तीन दिन के लिए ऑफिस मत जाओ तो वो आपकी बात मान लेगा क्या? आंसर इज नो. बट वो अगर आपको बोलता है ना यार आज मत पढ़ चल, आज पिकनिक जाते हैं या मूवीज देखने जाते हैं, आप बहुत इजीली उसकी बात मान लोगे बिकॉज आप अपनी पढ़ाई को उतना लेट से वेटेज देते ही नहीं हो. सो इफ यू डोंट रिस्पेक्ट योर सेल्फ, इफ यू डोंट रिस्पेक्ट योर वर्क, तब क्या होगा कि भाई लोग भी उसका रिस्पेक्ट नहीं करेंगे ना. आपका फ्रेंड जो कि जॉब में है, आप उसको पूछने से पहले भी सोचोगे कि नहीं यार मैं उसको पूछूंगा ना तो वो ना बोल देगा बिकॉज उसको ऑफिस जाना है. बट वो आपको जरूर, क्यों? बिकॉज उसको आपकी हैबिट पता है ना कि जब वो आपको पूछता है आप किसी ना किसी तरह कुछ एडजस्ट करके उसके साथ चल ही देते हो. सो ही इज नॉट रिस्पेक्टिंग योर वर्क बट यू आर रिस्पेक्टिंग हिज वर्क. तो स्टडीज को अपने काम के तरह लो एंड कंसिस्टेंटली पढ़ते रहोगे, यू विल डेफिनेटली अचीव योर रिजल्ट. तो इसीलिए देखो मैंने यहां पर यह भी लिख दिया है कि अ लिटिल प्रोग्रेस ईच डे एड्स अप टू ग्रेट सक्सेस. मतलब एक दिन भाग के हम हमारे डेस्टिनेशन में नहीं पहुंचने वाले हैं. इट्स अ बिग गेम. यू हैव टू प्रिपेयर ओवर अ पीरियड ऑफ 6 months, ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स, ओवर अ पीरियड ऑफ 2 years एट वेरियस इंटरवल्स. तो वहां पे आपको कंसिस्टेंटली थ्रू आउट जब आप पढ़ाई करोगे ना तभी जाके आपको सक्सेस मिलेगा.